हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि विटामिन ई, जिसे ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये विटामिन ई आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल जैसा यूज़ मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा तामझाम में हम नहीं पड़ेंगे, बहुत सारे पैक वैक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो किस तरह से आप इसे यूज़ में ला सकते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेहरे के लिए। चेहरे के लिए आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसे एलोवेरा जेल के साथ थोड़ी सी हल्दी मिला करके, मिक्स करके उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहले भी मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप इस तरह से रेगुलरली एक हफ्ता भी इसे यूज़ में लाते हो, आपको कैसे यूज़ करना है, रात को पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए या फिर वॉश कर लीजिए, फिर उसके बाद जैसा भी आप साइड में देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि एलोवेरा जेल लेना है। आप चाहें तो फ्रेश वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, अगर आपके पास घर का प्लांट का है वो और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसे आप चाहे सो ग्रेटर की हेल्प से या फिर नाइफ की हेल्प से जैसे भी निकालते हैं वैसे आप जेल को निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से जो भी मार्केट में मिलता है ईजिली, जो भी आपके पास है वो वाला आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, कोई सा भी ब्रांड का। तो देखिए, लगभग आधा जैसा चम्मच आपको यहाँ पे एलोवेरा जेल लेना है। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना कर मतलब अपने एक फेस के लिए अभी लगाने वाले हो उतना सा ही आपको लेना है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में। बस चुटकी भर हल्दी लेनी है। हल्दी में यहाँ पे रेगुलर जो खाने में इस्तेमाल करते हैं वही हल्दी ले रही हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके खाने वाली हल्दी में फूड कलर एडिड हो तो आपको वो वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी है, उससे आपके फेस पे एलर्जी हो सकती है। तो आप अंबा हल्दी, कस्तूरी हल्दी, ये कोई इस भी ब्रांड की आप यहाँ पर अपने पास रख सकते हैं स्पेशली अपने फेस के लिए, तो उसे आप यूज़ में ला सकते हैं। अच्छी तरह से इसे एक बार मिक्स कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और अच्छा, विटामिन ई जो मेन इंग्रेडिएंट है वो डालना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आप पिक करके मतलब चॉइस से आप कैंची से काट करके जो इसके अंदर का ऑयल है वही आपको यूज़ में लाना है और वही फ़ायदेमंद है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लेना है या फिर क्लीन कर लेना है एक बार अच्छी तरह से। और फिर क्या करना है, देखिए ये मैंने बना रखा है एलोवेरा जेल का ये पेस्ट। अब इसे आपको अपने फेस पे लगाना है इस तरह से अच्छी तरह से। ये देखिए, ये आपके फेस को बिल्कुल भी पीला नहीं करेगा। और अब इसे अच्छी तरह से मसाज करना है आपको। जितनी देर आप मसाज कर सकते हो उतनी देर आपने इसे मसाज करना है। मसाज करने से आपके फेस पे ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ने से आपके फेस में ग्लो आता है, नेचुरल ग्लो आता है। और इसे अगर आप रेगुलरली एक हफ्ता भर यूज़ में लाते हो तो आप देखोगे कि आपके फेस पे जितने भी दाग धब्बे हैं वो एकदम से लाइटन होते जा रहे हैं। अगर आपको डार्क सर्कल्स की समस्या है तब भी आप इसे रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से आप डार्क सर्कल पर भी इसे हल्के हाथों से इस तरह से मसाज कर सकते हैं। अगर आपकी आईब्रो जो है ग्रो नहीं हो पा रही है तो उस चीज़ के लिए भी आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए करना क्या है, आप क्या कीजिए, जैसे आप साइड में देख रहे हो, कोकोनट ऑयल के साथ आप विटामिन ई को मिक्स कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली आप विटामिन ई को अपने फेस पे नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत थोड़ा मतलब चिपचिपापन जैसा इसमें होता है। अगर आप डायरेक्टली लगाओगे अपने फेस पे तो आपको मतलब एक खिंचाव जैसा अपने फेस पे महसूस होगा, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। इसे हमेशा ही मिक्स करके लगाना है। कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट एक चॉइस है इसे मिक्स करने के लिए। आप ऑलिव ऑयल के साथ भी इसे मिक्स कर सकते हैं या फिर बादाम ऑयल के साथ भी इसे मिक्स कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें उस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। जैसे आप साइड में देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है, कोई से भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल लीजिए, ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल है। इसमें मैंने अगेन एक विटामिन ई का ये कैप्सूल ऐड किया और इसे मिक्स कर लिया। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास तैयार है। और इसे अब हम क्या करेंगे, इसे आप अपने बालों की ग्रोथ के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। मतलब रात को आपने इसे अच्छी तरह से अपने बालों में मसाज करना है और सो जाना है, सुबह आप शैम्पू कर लीजिए। अगर आपकी आईब्रो ग्रो नहीं हो रही है तो आपने इस तरीके से लीजिए और इस तरह से आईब्रो पे, आई लैशेज पे भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आपने लेना है इसे, ये देखिए फिंगर टिप्स पे मैंने लिया और अच्छी तरह से इस तरीके से मसाज करना है डेली डेली, रात को सोने से पहले आपको ये काम करना है। सोने से पहले अगर आप इस तरीके से इसे यूज़ में लाते हो तो देखिए ओवरनाइट आपका ये जो चीज़ आपने यूज़ की है इसका इफेक्ट आपके फेस पे रहेगा, ये डीपली काम करेगा, अंदर तक आपके
स्किन में जाएगा और आपके जितने भी इसके फायदे हैं वो आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से, और ये जो कोकोनट ऑयल के साथ मैंने ये विटामिन ई तैयार किया है, तो इसे आप अपने पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। जैसे डार्क सर्कल की समस्या है, तो अगेन इसी तरह से अपने फिंगर टिप्स पे मैं ये ले रही हूँ और अब मुझे इस तरह से डार्क सर्कल पे इसे अच्छी तरह से मसाज करना है। अच्छा, एक चीज़ आप पूछने वाले हो कि अगर जो हमने फेस के लिए अभी एलोवेरा जेल और हल्दी के साथ यूज़ में लाया है, तो उसे क्या आपको मतलब निकाल देना, मतलब फेस अपना वॉश कर लेना है? नहीं, आपको इसको ऐसे ही लगा रहने देना है। सुबह आप फेस वॉश कर सकते हैं, जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे। और अगर आपको थोड़ा चिपचिपापन महसूस हो, कंफर्टेबल ना लगे, तो आप इसे वाइप ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब कॉटन के कपड़े से या फिर कॉटन से आप इसे हल्का हल्का साफ़ कर दीजिए। लेकिन हाँ, फेस को धोइएगा मत उस टाइम पे, नहीं तो फिर उतना अच्छा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इसे आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल में ला सकते हैं, मतलब डेली रात को सोने से पहले आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसा मैं आपको बताई दी थी कि अगर आप कोकोनट ऑयल के साथ भी बहुत ज़्यादा अगर चक्कर में नहीं पड़ना है, तो बस आप कोकोनट ऑयल के साथ ही इसे मिक्स कीजिए और अगेन इसी तरह से आपको इसे मसाज करना है। आप देखोगे कि आपका फेस जो है ना, इतना ग्लोई होता जाएगा अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो। तो इस तरह से ये देखिए, मतलब बहुत ग्लोई आपका, अभी तो खैर इसकी वजह से ये चमक रहा है, लेकिन अगर आप रेगुलरली इसे यूज़ करते हो, आप मुझसे पूछते हो कि आपका फेस ग्लोई ग्लो करता रहता है, शाइन करता रहता है, तो कैसे? तो मैं ये चीज़ मतलब आज ही नहीं, मैंने बहुत पहले भी आपके साथ ये डिस्कस किया था कि मैं विटामिन ई को एलोवेरा जेल के साथ हमेशा रात को सोने से पहले इस्तेमाल करती हूँ। और आप इसे एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ में ला सकते हैं, मतलब अगर आप कोई भी नाइट क्रीम यूज़ करते हो तो आप उसके साथ इसे रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आपकी फेवरेट है तो विटामिन ई को आप उसमें भी मिक्स करके यूज़ में ला सकते हैं। ब्यूटी विटामिन के नाम से ही ये जानी जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसके देखने को मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, इसलिए आपके जितने भी फेस पे दाग धब्बे होते हैं उनको लाइटन करने का ये काम करती है। अच्छा, एक और यूज़ मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके होंठ बहुत ज़्यादा फटते रहते हैं, तो अगेन आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको विटामिन ई का कैप्सूल रगड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन पे ये खिंचाव पैदा करेगा, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और ये आपकी स्किन को टाइटन करने का भी काम करता है, तो आपको इसे कोकोनट ऑयल के साथ या फिर बादाम के ऑयल के साथ ही यूज़ में लाना है। तो देखिए, लिप्स के लिए भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो इस तरीके से आप लीजिए अपनी फिंगर टिप्स पे और अच्छी तरह से मसाज कीजिए। और अगर आपके होंठ बहुत ज़्यादा फटे रहते हैं, तो आप इसे वाइप ऑफ कर लीजिए, मतलब कॉटन से साफ़ कर लीजिए। अगर आप लिपस्टिक यूज़ करते हो, मैट लिपस्टिक यूज़ करते हो, तो मोस्टली आप देखते हो अगर ऐसे ही आप लगा देते हो उसे, तो आपके होंठ जो है ना, मतलब थोड़ी देर के बाद यूं करके, मतलब अगर फटे हुए हैं तो वो भी अजीब जैसे, मतलब बहुत अजीब दिखाई देते हैं थोड़ी देर के बाद। तो उस केस में भी आप क्या कीजिए कि कोकोनट ऑयल और विटामिन ई को ये इस तरीके से लगा लीजिए, फिर अपने कॉटन की हेल्प से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद आप लिपस्टिक यूज़ कीजिए। देखना, एक तो पूरा दिन भर आपके लिप्स पे टिकी रहेगी और साथ ही साथ आपके होंठों को फटने से भी बचाएगी। तो इस तरीके से आप सर्दियों में जिनको बहुत ज़्यादा होंठ फटने की समस्या रहती है, तो वो ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और यूज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स की समस्या है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हैं आफ्टर बेबी, अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, उस पर भी आप सेम बस यही कोकोनट ऑयल और विटामिन ई को रेगुलरली यूज़ में लाइए। देखोगे आप कि आपके स्ट्रेच मार्क्स जो हैं धीरे धीरे से गायब होने लगते हैं, तो बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ है। इसके अलावा आप एज अ स्क्रब, जब मतलब आप कोई भी स्क्रब फेस पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड करना बिल्कुल मत भूलिए। आप उसे मतलब जब भी हफ्ते में लगभग एक आध बार तो आपको स्क्रब जरूर करना चाहिए, आपके फेस पे जो डेड स्किन जमा होने लगती है, तो उसको दूर करने के लिए आपको स्क्रबिंग करनी चाहिए। तो आप विटामिन ए का ई का एक कैप्सूल इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और रह गई अब बात बालों की ग्रोथ के लिए, तो बालों की ग्रोथ के लिए भी अगेन कोकोनट ऑयल में आप विटामिन ई इस तरीके से मिक्स कर लीजिए और फिर अपनी स्कैल्प पे इस तरीके से अच्छी तरह से आप मसाज कीजिए। आप देखोगे कि आपके बालों की ग्रोथ दुगनी तेजी से होने लगेगी, क्योंकि ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और अगेन कोकोनट ऑयल आपके बालों को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर आपको बालों के झड़ने की समस्या है, तब भी आप इसे एक बार यूज़ में लाइए, आप देखिए, ट्राई कीजिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, fanny.bhardwaj के नाम से ही है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बस आज के वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।